भारतीय जनता पार्टी की लहर में जिन सीटों पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने लगातार जीत हासिल की थी, अब वो सीटें उसके हाथों से निकल गई हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत का परचम लहरा दिया। दोनों जगहों पर सपा को हार का सामना करना पड़ा। अपने ही गढ़ में इस तरह की हार के पीछे पहली नजर में अखिलेश यादव और आजम खान का ओवर कॉन्फिडेंस और उनकी दूरियां साफ दिखाई देती हैं। समाजवादी पार्टी के मजबूत किले में से एक रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में जनता ने कमल खिला दिया। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 42,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के मजबूत किले में कमल खिल गया। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीत गए और सपा के धर्मेंद्र यादव महज 10,000 वोटों से चुनाव हार गए। इस पर गौर करना होगा, गुड्डू जमाली ने बड़ी कड़ी टक्कर दी है, अच्छा खासा वोट प्रतिशत उन्हें मिला है और कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी की इस हार के लिए बड़े जिम्मेदार हैं। बहरहाल निरहुआ चुनाव जीत चुके हैं। आजमगढ़ में जब नतीजे आना शुरू हुए तो बीजेपी और सपा के बीच टक्कर दिखाई दी। सपा कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव ने निरहुआ को कड़ी टक्कर दी। हालांकि बसपा के गुड्डू जमाली भी बाकी कैंडिडेट्स को टक्कर देते दिखे और तीसरे नंबर पर रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से अखिलेश यादव करीब 60% वोट प्रतिशत पर अपना कब्जा जमा चुके थे। ऐसे में यह चुनाव सपा के लिए चिंता का विषय है, जबकि पिछले चुनाव में निरहुआ को केवल 35% वोट मिले थे। इस बार उन्होंने चुनाव जीत लिया। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, ऐसे में अखिलेश की जीत का प्रतिशत पिछले चुनाव में काफी बड़ा था। इस बार के चुनाव में बीएसपी ने अपना अलग कैंडिडेट खड़ा किया, जिससे सपा और बसपा के वोट प्रतिशत पर असर पड़ा। जहां एक तरफ बसपा पहले से काफी मजबूत स्थिति में दिखी, वहीं सपा के लिए यह चिंतन का समय है। इसके अलावा बीजेपी के लिए यह उपचुनाव काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि उसने रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगह पर कमल खिला दिया है। इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के उपचुनाव में हार के कई मायने निकाले जा रहे हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने जमकर मुस्लिम और इमोशनल कार्ड खेला, जो शायद काम नहीं आया। वहीं दोनों सीटों पर सपा की हार के बाद चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि क्या अब एक बार फिर आजम खान और अखिलेश यादव के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामपुर में इस बार एक दिन भी चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए। ऐसा नहीं था कि चुनाव प्रचार के दौरान वो बहुत ज्यादा व्यस्त थे या फिर राज्य से बाहर थे। छोटे मोटे समारोह में वो दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन इस उपचुनाव पर उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। वोटिंग से एक दिन पहले और वोटिंग के दिन को छोड़ दें तो उनके ट्विटर हैंडल से भी उपचुनाव को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया गया। इसके बारे में जानकारी हमने पहले भी आपको रिपोर्ट्स में दी है। इसके कारण समाजवादी पार्टी के अंदरूनी सूत्र भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे थे। लेकिन अब यह तस्वीर साफ हो गई है, अखिलेश यादव या तो जानते थे कि रामपुर आजमगढ़ दोनों जगह पर वो कमजोर पड़ रहे हैं, या फिर आजम खान के साथ उन्होंने भी अपनी नाराजगियों को साफ कर दिया है। आजम खान शिवपाल यादव की नजदीकियां सभी को पता है, धर्मेंद्र यादव भी उनकी पहली पसंद नहीं हो सकते थे। अखिलेश यादव चाहते तो डिंपल यादव को चुनाव लड़ा सकते थे। मायावती का दूर होना भी एक बड़ी वजह रही। अफवाहें यह भी है कि उम्मीदवारों के चयन में अखिलेश के फैसला नहीं होने को लेकर उनके मन में खटास हो सकती है। उनके मन का फैसला यह नहीं था। धर्मेंद्र यादव को मुलायम गुट का माना जाता है। उनकी चाचा शिवपाल यादव से भी खासी बनती है, जिनसे कभी पटरी नहीं बैठती अखिलेश यादव की। वहीं रामपुर में तो सब आजम के भरोसे था। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान से सपा प्रत्याशी के समर्थन में खूब प्रचार की उम्मीद की गई और वो उन्होंने किया भी जमकर। रामपुर की पूरी कमान आजम ने खुद अपने हाथ में ले रखी थी। ऐसे में अखिलेश ने इस पूरी प्रक्रिया से खुद को पूरी तरह से अलग रखा। अगर उनके मन माफिक परिणाम नहीं आए हैं तो अखिलेश यादव के मन की बात भी निकलकर सामने आ सकती है और वो बता सकते हैं कि आखिर वो ये चुनाव क्यों हारे हैं। इसमें 2-3 कारण हो सकते हैं कि ईवीएम को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा वो एक कारण हो। दूसरा, बहुत मुमकिन है कि अब समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आए। हालांकि ये वो मौका नहीं है, अब समाजवादी पार्टी के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। विधानसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या बढ़ी थी, उससे उत्साहित कार्यकर्ताओं को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ की यह हार हल्के में नहीं ली जा सकती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी हार है, क्योंकि दोनों ही जगह जबरदस्त गढ़ रहे हैं समाजवादी पार्टी का। पिछली बार के चुनावी नतीजों को देखा जाए, इस बार की तैयारियों को देखा जाए, जातीय समीकरण को देखा जाए, हर लिहाज से रामपुर और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुफीद थे, और वो भी आजम खान और अखिलेश यादव जैसे कद्दावर नेताओं की छोड़ी हुई सीटों को उनसे छीन लेना या फिर बीजेपी के खाते में इनका चले जाना, यह इस ओर इशारा करता है कि समाजवादी पार्टी में
सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आजम अखिलेश के बीच में नए समीकरण देखने को मिलेंगे, इनकी दूरियां बढ़ भी सकती हैं और ऐसे में इसका असर समाजवादी पार्टी पर भी पड़ सकता है। यानी कुल मिलाकर ये दोनों नतीजे आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।